नेक पहल, ठंड से जूझ रहे लोगों को बांटे कंबल। छतरपुर, मौसम लगातार बदल रहा है, शीतलहर चलने के कारण रात के तापमान में गिरावट आ रही है। ऐसे में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गरीब बेबस लोगों की बढ़ती मुश्किलें देख कर समाज सेवी रीना गिरजा पाटकर अपने साथियों के साथ सुबह सुबह बाल सुधार गृह के पास झुग्गी बस्ती में पहुंचे और ठंड से जूझ रहे लोगों को कंबल देकर उनका हाल जाना। समाज सेवी गिरजा पाटकर और उनकी पत्नी रीना पाटकर ने बताया कि नए वर्ष के अवसर पर ठंड को देखते हुए हम लोग प्रतिवर्ष जरूरतमंद लोगों को कंबल आदि देकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। आज भी बाल सुधार गृह के पास स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले असहाय जरूरतमंद परिवारों को अपने साथियों के साथ पहुंचकर ठंड से जूझ रहे लोगों को कंबल वितरण कर उन्हें राहत दी। इस अवसर पर प्रथम तीन आग न्यूज टीवी से पूनम सिंह की खास रिपोर्ट। नया वर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो और यह वर्ष आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग, नए अवसर लेकर आए। ऐसी भावना के साथ आज हम सभी लोग गरीब बस्ती में पहुंचकर जो झुग्गी झोपड़ी में कड़कड़ाती ठंड में जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर उनको गर्म कपड़े, कंबल वगैरह वितरित किए और उनका हाल जाना, उनको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, और कहीं ना वहाँ पहुँचकर हम सभी ने उनका दुख बांटा और उनके साथ खुशियाँ भी आज की शेयर की और उनसे परेशानियाँ, उनकी समस्याएँ सुनी और उनको आश्वासन दिया कि आपकी जो भी समस्या है हम अपने स्तर तक उनको संभव कराने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। यह साल नई खुशियां लेकर आए और आप सभी लोग पूर्णतया स्वस्थ रहें।